इंदौर स्कूल बस हादसे में प्रारंभिक रिपोर्ट में स्कूल प्रबंधन और बस में स्पीड गवर्नर कंपनी की गलती बताई गई है। इस मामले में गृह और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। भावांतर योजना में किसानों को राशि वितरण कार्यक्रम में पहुंचे भूपेंद्र सिंह ने ये बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हादसों को रोकने के लिए सरकार जल्द ही नई विशेष योजना बनाएगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हादसे में मृत हुए बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन कल इंदौर में एक दुखद बस हादसा हुआ है, स्कूल बस एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, उसमें स्कूल के बच्चे थे। प्रारंभिक रिपोर्ट जो आई है उसमें प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात की संभावना है कि स्टीयरिंग फेल होने से स्कूल बस का एक्सीडेंट ट्रक से हुआ है, परंतु प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि जो बस है स्कूल बस वो अधिक स्पीड में थी। जो स्पीड गवर्नर है वो स्पीड गवर्नर काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने स्पीड गवर्नर कंपनी के ऊपर भी एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। बस का प्रॉपर मेंटेनेंस जिस तरह से होना चाहिए था वो मेंटेनेंस भी प्रॉपर बस का नहीं था, इसलिए स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध भी हमने एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं।